हे गाइस, जैसा कि आपने पढ़ा है, हमारा थंबनेल भी देखा है, तो हम आज करेंगे कंपेयर व्यू सिनेमा टीवी, वन प्लस टीवी, रियलमी टीवी और साथ ही में एमआई टीवी को। ये सारी ही टीवीज दोस्तों 32 इंच वाली टीवी है, यानी कि वही रेंज है दोस्तों 12,500 से लेके 12,999 तक का। बताएंगे ये सारे बजट टीवीज में से आपको कौन सा लेना चाहिए, हम करेंगे इनका फुल कंपैरिजन, इसमें क्या कुछ है सेम और क्या कुछ है अलग, आपको सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप कुछ मिस ना कर दें। तो गाइज, यहाँ अगर हम लोग बात करें डिस्प्ले की, यहाँ पे आपको चारों ही टीवी में 32 इंच का HD रेडी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहाँ पे दोस्तों सबसे थिन बेजल्स आपको वन प्लस की टीवी में देखने को मिल जाते हैं। अगर हम लोग दोस्तों डिस्प्ले की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे कलर की अगर हम लोग बात करें, यहाँ चारों ही टीवी में सबसे बेहतरीन कलर आपको देखने को मिलेगा वन प्लस टीवी में। यहाँ पे आपको दोस्तों DCI-P3 93% का कलर गैमेट देखने को मिल जाता है, जो कि अगर आप सोनी और सैमसंग के टीवी से भी कंपेयर करेंगे तो भी उससे भी अच्छा यहाँ पे कलर डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे वन प्लस का टीवी का डिस्प्ले सबसे बेहतरीन आपको देखने को मिलने वाला है। अब वहीं अगर हम लोग दोस्तों प्रोसेसर की बात करें, यहाँ आपको चारों ही टीवी में प्रोसेसर 64-bit के देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे दोस्तों व्यू सिनेमा टीवी में आपको क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वन प्लस में आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, रियलमी में भी आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, और अगर हम लोग एमआई टीवी की बात करें, यहाँ पे आपको एम लॉजिक का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एम लॉजिक पुराना हो चुका है, फिलहाल के लिए हमारे पास जो क्वाड कोर और मीडियाटेक प्रोसेसर है ये बेहतरीन प्रोसेसर है, पर दोस्तों यहाँ जो मीडियाटेक प्रोसेसर है ये लेटेस्ट है और काफी अच्छा प्रोसेसर है। अब गाइज, अगर हम लोग रैम और स्टोरेज की बात करें, यहाँ पे आपको सभी टीवी में 1GB का रैम और स्टोरेज 8GB की देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे चारों ही टीवीज एंड्रॉइड टीवीज हैं, आप यहाँ पे चारों में गूगल प्ले स्टोर को यूज कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह यूज कर सकते हैं, आप सभी कुछ यहाँ पे यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पे गेम भी खेल सकते हैं। अगर हम लोग इन सारे चारों टीवी के रिमोट्स की बात करें, तो यहाँ पे सारे ही टीवीज में आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिल जाता है रिमोट में ही, और साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे एप्स के भी आपको शॉर्टकट देखने को मिल जाएंगे, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, बहुत सारे अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे एप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे सभी टीवीज एंड्रॉइड टीवीज हैं, स्मार्ट टीवीज हैं, काफी अच्छे आपको इन सारों में स्पेक्स मिल जाए। तो गाइज, अगर अब हम लोग साउंड की बात करें, यहाँ पे आपको मिलते हैं व्यू सिनेमा टीवी में 40W के डॉल्बी ऑडियो साउंड आपको देखने को मिल जाएगा, रियलमी में आपको 24W का डॉल्बी ऑडियो साउंड मिल जाएगा, वन प्लस में आपको 20W का डॉल्बी ऑडियो साउंड मिल जाएगा, और अगर हम लोग एमआई की बात करें, आपको 20W का DTS HD साउंड देखने को मिलेगा। तो दोस्तों डॉल्बी साउंड बहुत अच्छा है DTS साउंड से, तो यहाँ पे जो तीनों ही टीवीज हैं यहाँ पे डॉल्बी साउंड के साथ आते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे ज्यादा जो साउंड आपको मिलेगा वो आपको व्यू सिनेमा टीवी में देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको 40W के स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे इस टीवी में। हाँ, हम लोग बाकी रियलमी की बात करें, यहाँ आपको 24W के स्पीकर मिलेंगे, और वहां पे हम लोग वन प्लस की बात करें, यहाँ पे आपको 20W के स्पीकर्स देखने को मिलेंगे। अब गाइज, अगर हम लोग पोर्ट्स की बात करें, यहाँ पे आपको व्यू सिनेमा टीवी में और वन प्लस टीवी में दोनों में आपको 2 HDMI पोर्ट देखने को मिलेंगे, और वहीं रियलमी और एमआई में आपको 3 HDMI पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों चारों टीवी में आपको 2 USB पोर्ट, 1 Ethernet पोर्ट, 1 AV पोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब गाइज, अगर हम लोग प्राइसेस की बात करें, यहाँ पे व्यू सिनेमा टीवी आपको देखने को मिल जाता है 12,999 में, वन प्लस भी आपको 12,999 में पड़ता है, रियलमी भी आपको 12,999 पड़ता है, बट एमआई आपको 12,500 रुपीज में पड़ता है। तो दोस्तों प्राइसेस लगभग सभी के सेम है, बट ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि आपको कौन सा लेना चाहिए, तो दोस्तों अगर आप साउंड क्वालिटी देखना चाहते हो ज्यादा अपने टीवी में, तो आप व्यू सिनेमा टीवी के लिए जा सकते हैं। अगर ओवरऑल में आप देखना चाहते हैं अच्छा एक डिस्प्ले, बेजल स्क्रीन और काफ़ी स्लिम आपको अगर कोई टीवी चाहिए, तो आप वन प्लस का टीवी ले सकते हैं। दोस्तों वन प्लस का टीवी के बारे हमने बहुत अच्छे से एक डिटेल रिव्यू भी किया था, हमने बाकी सब टीवीज के भी सिंगल एक डिटेल रिव्यूज किए थे, वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो क्योंकि एक छोटा सा क्विक कंपैरिजन वीडियो था, तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। हम लोग बात करेंगे अगर हम लोग कौन सा लेना चाहिए आपको और क्यों लेना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ
कि आप OnePlus का टीवी लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अच्छे स्पेसिफिकेशन, जैसे हम की हम बात की है वो सब तो आपको देखने को मिल ही जाता है, बट यहाँ पे आपको एक गामा इंजन का सपोर्ट मिल जाता है। ये एक OnePlus सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है, जहाँ अगर आप OnePlus का फोन यूज करते हैं तो आप उसको अपने रिमोट के जैसा भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी एक काफी अच्छी चीज है जो आपको बाकी सब टीवीज में जल्दी देखने को नहीं मिलती है। ऊपर से दोस्तों OnePlus हम सभी जानते हैं कितना अच्छा ब्रांड है, कितने सारे फ्लैगशिप फोन्स ये बनाता है और कितना ज्यादा प्रीमियम ब्रांड है। तो दोस्तों यहाँ पे OnePlus का एक ब्रांड जो आपको देखने को मिल जा रहा है, 13,000 रुपए आप लगा के इसका टीवी आराम से ले सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको ऑक्सीजन प्ले भी देखने को मिल जाएगा, जो कि एक अलग से OTT प्लेटफॉर्म है, जैसे कि नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो है। तो ये OnePlus का एक अपना है जो आपको सिर्फ OnePlus के टीवी में देखने को मिलेगा, जहाँ पे भी आप बहुत सारे मूवीज और सीरीज को देख के एंजॉय कर पाएंगे। तो गाइज आप मुझे आप नीचे कमेंट में बताइए कि आपके क्या रिव्यूज हैं इनको लेके, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे कुछ खास वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।